नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का। और गुर्जर समाज की प्रमुख संस्थाओं में से एक गुर्जर प्रचारिणी विद्यासभा रामपुर मनिहारन में अध्यक्ष पद और मंत्री पद के लिए चुनाव होना है। अध्यक्ष को लेकर दो दावेदार मुख्य तौर पर सामने हैं, चौधरी देवराज सिंह जो पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं और मनोज चौधरी जो पूर्व में देवबंद से विधायक रह चुके हैं। इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे कि क्या विजन है उनका और इस संस्था को शिक्षा के क्षेत्र में कहां लेकर जाने की मनोज चौधरी प्लानिंग कर रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक मनोज चौधरी जी हैं। मनोज जी, स्वागत करता हूँ आपका। नमस्कार जी। मनोज जी, किस तरीके से देख रहे हैं, ऐसा क्या हुआ, कैसे कार्यकर्ताओं ने फैसला लिया, समाज के लोगों ने फैसला लिया कि मनोज चौधरी को अध्यक्ष का चुनाव लड़वाना चाहिए, ये मन में कब आया? देखिए, मेरे मन में तो कुछ ऐसा नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन इनकी नीतियाँ इतनी ख़राब थी और इनका मुझे कहना चाहिए कि इन्होंने एक तरफा अपनी हुकूमत वहाँ पर चलाई, क्योंकि यह समाज की संस्था है और इसमें हमारे बड़ों ने और सबके जितने भी समाज के बड़े हैं उन लोगों ने एक अपनी अपनी खून पसीने की कमाई से ये संस्था खड़ी करी है। लेकिन जब संस्था के अंदर राजनीति घुस जाए और सिर्फ एक तरफा फैसले लेने लग जाए और दूसरे जो समाज के लोग हैं उनको दरकिनार करके अपनी हुकूमत चलाएं, तो उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ने के लिए सब समाज इकट्ठा होकर के ये फैसला लिया गया। हमने देवराज जी का भी इंटरव्यू किया और उन्होंने ये कहा कि देखिए, मैं इतने कोर्सेज लेकर आया हूँ, मैंने संस्था को जो है प्रॉफिट में चलाने का काम किया है। उन्होंने बल्कि एक राशि भी बताई कि जब मैं अध्यक्ष बना था तो ये राशि थी, लेकिन आज ये करोड़ों में है जो प्रॉफिट में चल रही है संस्था। तो ये कैसे नुकसान हो गया, हुकूमत भले ही चले अगर संस्था प्रॉफिट में चल रही है तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना? नहीं नहीं, देखिए, संस्था में हमारा समाज तरक्की कर रहा है और हमारे समाज के हर व्यक्ति की आमदनी, आय, इनकम बढ़ गई है। वो लोग दान भी देते हैं अपने संस्था के अंदर, और जब से ये कोर्सेज आए हैं पिछले कुछ वर्षों से, तब से हमारे इनकम ऑफ सोर्सेज कॉलेज की बढ़ गई है। पहले कम थी, अब बढ़ गई है, सब्जेक्ट आ गया, एडमिशन ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी फ़ीस है, तो नेचुरली उनकी इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ेगा। आपको ये लगता है कि देवराज चौधरी ने अध्यक्ष पद पर रहते हुए जो काम करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए जी, तो अब ये काम मनोज चौधरी करेंगे। मनोज चौधरी क्या प्लानिंग कर रहे हैं संस्था को लेकर? देखिए, प्लानिंग तो हमने पिछले साल प्लानिंग की थी। एक सपना होता है हर आदमी का, जैसे हमारे बड़ों ने, सबके बड़ों ने एक सपना लिया था कि कॉलेज की नींव रखी 1943 में इस कॉलेज संस्था की नींव रखी, और ये नींव रखते 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 इतनी बड़ी संस्था फैली है। और हमने इसको इजाफा करने के लिए अभी आदरणीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने सहारनपुर को यूनिवर्सिटी दी, वो यूनिवर्सिटी सब जनप्रतिनिधि को कमिश्नर साहब और डीएम साहब ने बुलाया कि सहारनपुर को यूनिवर्सिटी हमने आपकी मंजूर होगी, आप हमें ज़मीन उपलब्ध कराएं। तो सब जनप्रतिनिधि ने अपने अपने क्षेत्र के लिए प्रयास किया। उसमें मैं भी एक मीटिंग में, कोर कमेटी में था, और मैंने ये प्रस्ताव रखा कि रामपुर मनिहारन के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ी संस्था है, सहारनपुर में इससे बड़ी संस्था नहीं है, और पैसे की भी संस्था में कमी नहीं है, संपत्ति में नहीं है, ज़मीन में कोई कमी नहीं है, तो हमने प्रस्ताव रखा कि रामपुर को आप यूनिवर्सिटी में, आप ज़मीन है हमारे पास वो देख लीजिए, संस्था की खुद ज़मीन है, कुछ सरकारी ज़मीन पड़ी थी, मिल करके एक यूनिवर्सिटी यहाँ बन सकती थी, सरकार को बहुत कम पैसा लगाना पड़ता। लेकिन हमने फिर सोचा कि अपने समाज के लोगों को इकट्ठा किया जाए, हमने तमाम 500-700 लोग इकट्ठा किया समाज के, उसमें हमारे पूर्व विधायक महिपाल माजरा जी भी थे, चेयरमैन साहब भी थे, तमाम समाज के लोग थे, और अपना ये जो अभी फिलहाल कमेटी चल रही है देवराज सिंह और उनकी कमेटी के लोग भी थे। हमने सबको इकट्ठा करके एक ये प्रस्ताव रखा कि सरकार से यूनिवर्सिटी है, आप उसको रामपुर बना लीजिए, सिर्फ इनको एक दो लाइन का कागज़ लिख करके डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को देना था, और सरकार को कागज़ चले जाता, तो इन्होंने वो प्रस्ताव देने से मना कर दिया। आज वो यूनिवर्सिटी कहीं और बन रही है। अगर वो रामपुर में यूनिवर्सिटी बनती तो इस इलाके का कितना, और समाज का और अन्य समाज के जो साथ ये पूरी बेल्ट है हमारी, इसका डेवलपमेंट होता, और सारे कोर्सेज जो हम आज लेके आते हैं लखनऊ से मारामारी करके, वो सब कोर्सेज यहाँ पे चलते। विधायक जी, मेरी उनसे भी बात हुई थी यूनिवर्सिटी को लेकर, मैंने उनसे भी सवाल पूछा था, इसके बाद मैंने समाज के और लोगों से पूछा कि भाई यूनिवर्सिटी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि अगर यूनिवर्सिटी बना दो तो वहाँ तो फिर सारा अधिकार सरकार का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो फिर गुर्जर समाज की संस्था रहने का तो कोई औचित्य नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। ये इसके पीछे क्या कारण? वो गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए, अभी तो ये मेरठ यूनिवर्सिटी से अटैच है, अभी तो ये मेरठ यूनिवर्सिटी से अटैच है। अब सहारनपुर में यूनिवर्सिटी बन रही है पवारके में,
तो वहाँ भी ये भी वहीं से अटैच होगी। कह रहे कि अब तो अटैच है, नहीं अटैच नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सारा अधिकार सरकार का हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वीसी की वीसी अलग रहता, मैनेजमेंट कमेटी अलग रहती है। आप भी जानते हैं एफिलिएटेड जो होती है कब्जा थोड़े होता है यूनिवर्सिटी का, नहीं होता एफिलिएटेड तो एफिलिएटेड ये समाज के लोगों का ही मुझे बताया गया है, वो इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं वो इंडिविजुअल पर्सन कह सकता है, समाज नहीं कहता, समाज इंडिविजुअल पर्सन कह सकता है कि ये यूनिवर्सिटी में सबमिट हो जाएगी, एफिलिएटेड है वो, कुमार का बने, रामपुर में बने, मेरठ रहे। चलिए यानी कि मनोज चौधरी अगर अध्यक्ष बनते हैं तो यूनिवर्सिटी के लिए पूरा काम किया। नहीं 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 मैं झूठ नहीं कहूँगा, देखो यूनिवर्सिटी राजकीय यूनिवर्सिटी एक ही आ सकती है, दो नहीं हो सकती, एक हो गई तो शायद दूसरी नहीं आएगी, नहीं आएगी। आप जो उसके लिए पहले प्रयास कर रहे हैं? मैंने प्रयास करा था, पूरा समाज लगा हुआ था, सिर्फ इन दोनों ने जो इनकी कमेटी के लोग हैं इनकी अपनी मोनोपोली से वो यूनिवर्सिटी यहाँ से वापस गई है। कमेटी के लोग भी कमेटी के थे, और कमेटी के लोग ये भी कमेटी में थे, ये भी कमेटी में थे, कम से कम 51 की कमेटी होती है, 50-45 लोग सहमत थे कि यहाँ कमेटी बने, यहाँ यूनिवर्सिटी बने। मनोज चौधरी जी क्या कोई दावेदार परिवार के बाहर का नहीं हो सकता था? उधर देवराज जी पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर परिवार से ही दो सदस्य, क्या समाज में एक संदेश ये नहीं जा रहा कि भाई परिवार से ही दो सदस्य? देखिए यह बात हमने चलाई थी, हमने मीटिंग कर दी पिछली दफ़ा, पिछले एक डेढ़ महीने पहले 9 तारीख में हमने समाज के 2500-3000 लोग इकट्ठे हुए थे, हमने ये बात रखी थी कि भाई हमारे परिवार को छोड़ के, मुझे छोड़ के, देवराज सिंह को छोड़ के, समाज में बहुत सारे गणमान्य लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बना दो, लेकिन वो तैयार ही नहीं हुआ इस बात। कोई सहमति ये भी नहीं बन पाई कि भाई आप पहले रह लिए हो, इस बार मुझे मौका दे दीजिए, ये भाई महिपाल सिंह जी हैं, राज सिंह जी हैं, या प्रमुख साहब हैं, या बहुत से और भी बड़े बड़े चेहरे हैं हमारे समाज के अंदर, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए था, ये बात हमने चलाई थी, किसी को भी बना दो। अब जैसे पीछे 2 साल पहले इंटर कॉलेज का चुनाव हुआ था, इंटर कॉलेज में हमेशा ये लोग रहते थे, हमने कहा भाई हमारे समाज, हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति इंटर कॉलेज की कमेटी में नहीं रहेगा, ये मैंने रखा था प्रस्ताव, और वही हुआ। अब इंटर कॉलेज की बनी, हमने अपने किसी घर के किसी को नहीं लड़ाया। अच्छा सुनिए, उस कमेटी में हम लोगों ने जब कमेटी मिलकर लड़ाई थी उसमें हमारा मैनेजर बनाया था हमने, रणवीर सिंह, समाज ने बनाया था, इन्होंने अपनी हरदर्मी दिखा करके उस मैनेजर को, रणवीर सिंह को हटा दिया बीच में ही, अपना मैनेजर रखा दिया, सिर्फ इसलिए कि रणवीर सिंह वहाँ पे गलत काम नहीं होने दे रहा था, और इन लोगों ने अपना मैनेजर रखा जो छोटा मैनेजर था उसको चार्ज दे दिया और मनमानी तरीके से अपने काम कर रहे हैं। मनोज चौधरी पहले विधायक रह चुके हैं, जिला पंचायत का कार्यभार आपके पास रह चुका है, बसपा की सरकार रह चुकी है, आप उसमें विधायक थे, संस्था के लिए आपका क्या योगदान रहा है? आपने क्या ऐसा प्रयास किया था कि मेरी समाज की संस्था को नए आयाम पर ले जाया जाए? जब मैं विधायक था तो भूपेंद्र सिंह अध्यक्ष थे, देवराज सिंह के बड़े भाई, और मैंने वो बाइट सुनी है उनकी, उन्होंने जो बयान दिया है वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, ऑन पेपर रिकॉर्ड है कॉलेज के अंदर। जब मैं विधायक था तो मैंने मुख्यमंत्री से, मैं सब्जेक्ट लेके आया था बीकॉम बीएलबी बीबीए बीटीसी और एलएलबी के लिए मैंने प्रस्ताव मुख्यमंत्री को दिया था, लेकिन वो आज तक पेंडिंग पड़ा है हमारी सरकार से। उस समय मैं विधायक हट गया था, लेकिन इनसे अब तक 10 सालों में वो एलएलबी दोबारा नहीं ला पाए। ये 5 सब्जेक्ट मैं अपने टाइम पे लेके आया था, और आप जाइए कॉलेज के अंदर, डिग्री कॉलेज के अंदर मेरे नाम के पत्थर भी लगे हुए हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई अभी विधायक जी जो हैं कहीं ना कहीं राजनीति में भी अपना भविष्य देख रहे हैं, तो भी पार्ट टाइम कहीं ना कहीं सोचा कि चलो चुनाव ही लड़ लिया जाए। नहीं 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 देखिए मैं तो इस संस्था के चुनाव में चक्कर में नहीं पड़ता, ना मेरे फादर रहे कभी, ना मेरे फादर ने कभी यहाँ पे कोई पद लिया, ना मैंने लिया, मेरे को बहुत कोशिश की इन लोगों ने और मैंने कभी पद नहीं लिया, मैं तो सेवा करना चाहता था, लेकिन ये भी चुनाव मैं नहीं लड़ना चाहता था भाई, मैं तो एमएलए जिला पंचायत हम लोग लड़ते हैं, लेकिन समाज ने कहा तो मुझे समझ, देखो समाज सर्वोपरि है जी, मैं गुजर समाज में रहता हूँ तो गुजर समाज मेरे को जो कहेगा तो मैं वो करूँगा। एक राजनीतिक व्यक्ति को बहुत से लोगों ने कहा कि देखिए राजनीति करते हैं, तो फिर मन में ये भी सवाल आता है कि भाई एक राजनीतिक व्यक्ति जो विधायक रह चुके हैं, इतने बड़े पद पर रह चुके हैं, क्या एक सामाजिक संस्था में उनका बैलेंस बैठा पाएंगे इस तरीके? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखिए हमारे बड़े भाई महिपाल जी हैं, ये विधायक रहते हुए भी अध्यक्ष रहे, चुनाव भी लड़ा, ऐसा नहीं है तो समाज, मैंने कहा ना समाज का चाहे छोटा बड़ा चुनाव हो चाहे बड़ा हो, ये तो सेवा भाव है, आप संस्था को कैसे लेके जाए तो सेवा है, जैसे आप मंदिर में सुबह आप झाड़ू पोछा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, वो सेवा भाव है, तो ये भी एक सेवा भाव है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारे समाज का मंदिर है। अगर आप विधायक का अभी ये अध्यक्ष का चुनाव जीत जाते हैं तो क्या फिर विधायक का चुनाव की भी तैयारी करेंगे? विधायक का तो वो मेरी पार्टी तय करेगी, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ तो मेरी पार्टी जो तय करेगी, पार्टी कहेगी लड़ना है तो लड़ूंगा, नहीं कहेगी तो नहीं लड़ना।
एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इन दिनों चर्चाओं में है, मिहिर भोज को लेकर। हाँ जी, आपकी पार्टी ये तो मानती होगी कि सम्राट मिहिर भोज गुजर थे। हाँ बिल्कुल, सभी को सभी मानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी उद्घाटन किया है वहाँ पे दादरी में। अभी धार के गांव में जो है अभी अध्यक्ष जी गए थे, पूर्व अध्यक्ष देवराज सिंह, और कहा कि भाई यदि मैं अध्यक्ष बनता हूँ तो एक द्वार भी बनाया जाएगा और मूर्ति भी लगाई जाएगी। क्या मनोज चौधरी भी कुछ उस देखिए द्वार तो ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है, ऐसे कितने द्वार बनाएंगे, वो तो बना हुआ है, वेस्टेज ऑफ मनी है। हम मूर्ति लगाएंगे ना, हम तो एक कमरे का हॉल जो हम डेवलप करेंगे। देखिए मेरा प्रयास ये है, मेरा प्रयास है यहाँ पे LLB कॉलेज हो, जो मैंने 10 साल पहले नींव रखी थी, वो आज तक सरकार में पेंडिंग पड़ी है, लेके नहीं आए। LLB कॉलेज, मैं मेडिकल कॉलेज लाना चाहता हूँ, मैं डी फार्मा बी फार्मा नर्सिंग कोर्स लाना चाहता हूँ। ये वो बड़े काम है जो ये नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, जो मैंने मेरे घोषणा पत्र में मैंने दिया है, जो मैंने 13,000 वोटरों के अंदर तक संदेश लिख करके भिजवाया है, ये मैं, और मैं जो बिल्डिंग बनाऊंगा मैं उनके नाम से बनाऊंगा, उनके नाम से बिल्डिंग लगाऊंगा और बिल्डिंग लगाऊंगा और सुनिए, और एक उनकी भव्य मूर्ति लेके आएंगे और हम सब समाज खड़े होकर के उसको लगवाएंगे और मुख्यमंत्री जी को बुला करके उसका उद्घाटन कराएंगे। चलिए एक अंतिम सवाल ये है, कितने आश्वस्त हैं मनोज चौधरी अपनी जीत को लेकर, तमाम बड़े चेहरे बैठे हैं, क्या एक पूरा संदेश देना चाह रहे हैं समाज को? देखिए आपको हमारे चेहरे से खुशी नजर आ रही होगी। चेहरे तो वहाँ पर भी बड़े बड़े बैठे थे, लेकिन यहाँ पर जो है बात सुनो, चेहरे बड़े बड़े बैठने की बात नहीं होती, बात चेहरे पे रंगत कैसी है, चेहरे पे आपकी रौनक कैसी है। देखो समाज के चेहरे पे हमारे सब भाइयों के, महिपाल जी सब, जितनी भी हमारी टीम बैठी है, सबके चेहरे पे रंगत है, रौनक है, खुशी का इजहार है, और जनता हमारा समाज परिवर्तन चाहता है। ये परिवर्तन चाहता है कि क्या एक ही व्यक्ति के परिवार में एक ही लोग, पहले उनके भाई अब छोटा भाई, यही लोग रहेंगे। लोग परिवर्तन चाहते हैं, इनकी कूटनीतियों से, इनकी परेशानियों से, इनकी जो हिटलरशिप है उससे परेशान है लोग, एडमिशन तक नहीं होते भाई साहब। पहले क्या होता था, हमने किसी को, हमारा इतना बड़ा दायरा है, राजनीति करते हैं, सब समाज के लोग आते हैं, चाहे गुजर से अलग हटके, में कश्यप ठाकुर भाई, SC भाई, तब मुस्लिम भाई एडमिशन लेने, पहले हम फ़ोन करते थे तुरंत एडमिशन हो जाते थे जी। अब फ़ोन करते हैं तो एडमिशन ही नहीं होते, अब तो धन माया चलती है, प्रैक्टिकल में जिसको फ़ोन कर दिया नंबर बढ़ जाते थे, अब प्रैक्टिकल में भी नंबर नहीं बढ़ते। तो सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखेंगे, हमारे कपड़ों पर कोई दाग नहीं है। हम चाहते हैं कि 5 साल हमारे समाज हमें मौका दे, तो हम इसमें जो गंदगी है, जो उन्होंने फैलाई है, उस गंदगी को हम साफ करें, मिल करके पूरा समाज के साफ करके एक अच्छी नींव रखें। जो हमारे बड़ों ने सपना देखा है, मेडिकल कॉलेज का, यूनिवर्सिटी तो उन्होंने बनने नहीं दी, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, तमाम जो सब्जेक्ट मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखे हैं वो हम सरकार से लेके आएंगे। एक चीज़ और, ये बेचारे कहाँ से लेके आएंगे, इनको रास्ता ही नहीं पता लखनऊ दिल्ली का। विधायक तो इनके अभी आ रहे हैं, सुनिए, देखिए अब आ रहे हैं, लास्ट टाइम पे उद्घाटन करा रहे हैं, लेकिन इनको तो रास्ता ही नहीं पता लखनऊ दिल्ली का। अभी अब सुनिए, घर से निकलेंगे सुबह उठ के जाएंगे पहले कॉलेज में बैठेंगे, फिर अपने खेत फड्डलवाल में चले जाएंगे, फड्डलवाल से जाएंगे फिर कॉलेज में, फिर घर, ये दिनचर्या इनकी है। और इनको तो लखनऊ जाने का रास्ता, हम तो लखनऊ में रहे हैं, विधायक रहे, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, मेरी पत्नी रही है, मैंने अपने टाइम पर 2,500 स्कूल दिए, स्कूल प्राइमरी जूनियर हमने बनाए, मैं विधायक बना, मैंने डिग्री कॉलेज शिमला ने बनाया, जाके देखे मेरा बनाया हुआ, सरकार से मैं डिग्री कॉलेज लेके आया, इंटर कॉलेज दिए, और जितने भी वहाँ पे मेरे क्षेत्र में इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज है, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हैं, सब मेरे नाम के पत्थर लगे, मैंने कमरे बनवा रखे 5-5, 10-10 लाख रुपए। तो हम तो काम करने वाले व्यक्ति हैं, समाज हमें मौका देगा तो मैं वादा करता हूँ समाज से वादा करता हूँ कि बिल्कुल जो उनकी उम्मीदें हैं समाज के मेरे प्रति और हमारी टीम के प्रति, उन उम्मीदों को हम लोग 4 चौगुना 4 हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ये मेरा वादा है, मैंने कसम खाई है कि समाज, हम अपनी संस्था को नीचे से लेके ऊपर तक लेके जाएंगे, और जो हमने बोला है ना ये हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ के रास्ते पता है लखनऊ के। मैं चाहता हूँ इस आपकी बाइट के माध्यम से कि इन्होंने हमारे समाज की 1200 वोट काटी है, 1200 वोट उन लोगों की काटी है जिन लोगों ने अपनी मेहनत मजदूर कमाई से इकट्ठा करके अपने 1200 रुपये की मेंबरशिप बनाता है यहाँ पे वोटर, और इन्होंने कोई 15 साल से था, कोई 20 साल से था, कोई 25 साल से, और उन्होंने 3-3, 4-4 दफ़ा इलेक्शन में वोटिंग कर चुके हैं। देवराज सिंह जी जो अध्यक्ष बने हैं उनकी वोटों से भी बने हैं। देवराज सिंह को क्या राइट था, क्या अधिकार दिया, कौन सा लॉ है कि आप उनकी वोट काट दोगे?
1200 वोट उन्होंने काट दी है, क्या ये समाज इसको अपने आप को पीड़ित नहीं समझ रहा, दुखी नहीं समझ रहा? आप जाके गांव में देखिए, लोगों को इतना रोष है, एक घर से दो वोट काट दी। ये हमारे करण सिंह जी हैं, जुम्मेवार लोग हैं, इनकी वोट काट दी, बॉडी में कमेटी में थे, इनकी काट दी। विधायक महिपाल जी हैं, दो बार अध्यक्ष रह चुके, तीन बार अध्यक्ष रह चुके, इनकी वोट काट दी। तमाम ऐसे साथी लोग हैं जिनकी वोट काट दी, इनको क्या अधिकार था? लेकिन मैंने घोषणा पत्र में कहा है कि जिस दिन हमारी कमेटी बनेगी, सबसे पहले उन सम्मानित वोटरों का जो अधिकार इन्होंने छीना है वोट काटने का, वो वापस होगा पहले डे, ये मेरा वादा है। एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने एक यहाँ पे चुनाव अधिकारी बना रखा है जयमल सिंह। मैं बाइट के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो जब प्रिंसिपल थे उन्होंने 40 लाख रुपए का यहाँ घोटाला किया, 40-50 लाख का, और जब हमारे विधायक जी की कमेटी आई तो इन्होंने वो घोटाला पकड़ा और उसने स्वीकार किया। ये मेरे पास पत्र है, इस जांच के पत्र है, उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने पैसे का घोटाला किया और मैं ये पैसे कॉलेज को वापस कर रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ देवराज सिंह से, क्या उनसे ईमानदार आदमी कोई और नहीं मिला था चुनाव अधिकारी बनाने के लिए? समाज में बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, क्या जयमल सिंह रह गए थे? भ्रष्ट आदमी को आप चुनाव अधिकारी बनाएंगे? ये तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने जिलाधिकारी महोदय का कि उन्होंने यहाँ पे पर्यवेक्षक नियुक्त किया, SDM नियुक्त किया, उसकी देखरेख में चुनाव हो रहा है। वरना तो ये ऐसा करते जीतेगा कोई, और जैसे पहले उन्होंने किया, भूपेंद्र सिंह ने किया, महिपाल सिंह जीते थे और उस पर डिक्लेयर किसी और को कर दिया था। तो इनकी कूट कूट में छल कपट भरा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर मनोज विधायक जी ने जो है विकास की बातें भी की और संस्था को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा ये बातें भी की। अब ये जनता को तय करना है कि वो अध्यक्ष पद किसको देता है। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।